भाइयों बहनों, अब तक तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से आप सभी को हम अवगत करा चुके हैं। मुझे केवल आज के उस अवसर पर आपको कुछ बातें कहनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना कालखंड में सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ जीवन और जीविका को बचाने का कार्य किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश में भी और दुनिया में भी उसकी सराहना हुई है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले ली? सभी लोगों ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं चला। कारण है, हमारे पास एक प्रभावी वैक्सीन था और इस प्रभावी वैक्सीन के कारण कोरोना महामारी को समय से पहले रोकने का कार्य किया गया। आप मुझे बताइए, क्या इस वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया? फ्री में मिली है ना सभी लोगों को, मैं विश्वास कर लूं? याद करिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सब वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। शासन की कार्य पद्धति का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। दूसरा, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दो बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल और नमक भी है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, जो आज वैक्सीन का पैसा, दवा का पैसा, मेडिकल कॉलेज का पैसा, सड़क, पुल, पुलिया, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, ये सारा का सारा जो पैसा है, या राशन का पैसा, गरीबों के लिए मकान का पैसा, ये सारा का सारा जो पैसा है, पहले ये पैसा कहां चला जाता था? आखिर प्रदेश तो वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने भर से योजनाओं का लाभ कैसे हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और हर महिला को मिलने लगता है, यह उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों के अंदर आपके सामने दिखाया है। पहले पैसा कहां जाता था? यही पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनते थे, सड़कों में गड्ढे रहते थे, बाढ़ से जनता तबाह होती थी, नौजवानों की नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज तो हर नौजवान को नौकरी मिल रही है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, अभी तो ये राशन है, वैक्सीन है, इसमें एक झलक है। अभी सरकार ने तय किया है, ये 5 साल विपरीत परिस्थितियों में बीतने के बावजूद अगर हम कुछ कर पाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद था सरकार के ऊपर, जिससे हम करने में सफल हुए हैं। अगले 5 साल के दौरान सरकार ने तय किया है, अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली की व्यवस्था 5 साल के अंदर देने की कार्रवाई संपन्न कर देंगे। सरकार ने तय किया है, अभी राशन मिल रहा है फ्री, हर होली और दीपावली को
उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी हर परिवार को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिल रही है यह राशि 12,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर के 18,000 रुपए करने की भी व्यवस्था की जा रही है। और यही नहीं, बेटी को, मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटर, इस कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटर स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, सरकार ने भी तय किया है नौजवानों को, वर्तमान में हम लोग 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़े, आने वाले 5 साल में हर परिवार के 1 सदस्य को नौकरी रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और हम लोगों ने भी ठान लिया है कि 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर अपने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन होना है, इसमें जितना खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, यह भी सरकार उठाएगी, हर नौजवान को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रही कहां से पैसा आएगा। मैंने कहा भी देखो, हमने एक नया उपकरण बनाया है, वह हाईवे भी बनाता है, मेडिकल भी कॉलेज भी बनाता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और साथ साथ माफिया की छाती को भी रगड़ करके और पैसा निकालता है। यही पैसा गरीबों के लिए राशन के लिए, गरीबों के लिए दवा के लिए, वृद्धजनों की पेंशन के लिए, विधवा महिलाओं की पेंशन में भी खर्च होता है। ये काम चालू रहना चाहिए ना, चालू रहना चाहिए, सभी लोग सहमत हैं। 27 फरवरी को बहराइच की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे, 7 की 7 सीटों पर, और महसी से सुरेश्वर सिंह जी पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान की बात करेंगे। पहले मतदान, सभी सहमत हैं भाइयों बहनों, सहमत हैं तो मैं आप पे विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रहा हूं, क्योंकि आज मुझे कई सभाओं में जाना है, इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।